नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ हिंदी का चैप्टर 3, जिसका नाम है ठेस। ठेस के राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु बिहार से बिलोंग करते हैं। ये उन्होंने कहानी लिखी है एक कलाकार के बारे में। कलाकार है एक गांव का, जो कि गांव में इज्जत खो चुका है। मतलब एक समय था जब इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। लोग तारीफ कर करके, खुशामद कर करके इंतज़ार करते थे कि कब सिरचन सिरचन जैसे कि मैंने बताया, कलाकार है गांव का और इस कहानी का है जो मेन कैरेक्टर है वो है सिरचन। तो जो तस्वीरें आपके सामने हैं, इस तरीके के हैंडीक्राफ्ट सिरचन बनाया करता था। वो स्पेशलिस्ट था पूरे गांव में इसी के लिए। लोग इंतज़ार करते थे, तारीफ करते थे कि कब सिरचन आएगा और हमारे घर में आके कारीगरी करेगा और कब हमें ऐसे हैंडीक्राफ्ट यूज़ करने को मिलेंगी। तो क्या होता है, कहानी शुरू होती है सिरचन से। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रामीण कलाकार है अदर, जो जैसे मैंने आपको बताया फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि कहानी का जिक्र करते हैं। उनकी बहन है मानू। मानू के घर में उनकी माँ, उनकी मंजली भाभी और चाची, ये कैरेक्टर्स से हमारी स्टोरी बनती है। अब स्टोरी शुरू कब होती है, जब सिरचन को बुलाया जाता है मानू के घर पे। मानू जैसा कि ओदर की बहन है और न्यूली मैरिड लेडी है। अब इनकी जो शादी है उसके बाद ये पहली बार अपने ससुराल जाएगी। तो ससुराल वालों ने डिमांड रखी है कि जो शादी में हैंडीक्राफ्ट दिए गए थे उनके साथ मानू को भेजा जाए। मतलब बहुत ज़्यादा वो लड़के वाले होते हैं उस तरीके से, इन्फ्लुएंशियल डिमांड है, बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है इस डिमांड को। इसीलिए तो सिरचन को काम पे लगा दिया जाता है और सिरचन भी पूरी तरीके से काम में लग जाता है। एक नई तरीके की कारीगरी बनता है, ब्यूटीफुल सी चिक शीतल बाटी बनना तैयार हो जाती है। और जब वो एकदम मग्न होता है काम में, बस सिरचन की शर्त ये होती है, और शर्त भी नहीं, सब लोग ये बात जानते हैं कि सिरचन को पैसे कम दो चलेगा, केवल उसे एक धोती दे दो और टेस्टी खाना दे दो। खाने में घी साग टेस्टी सब कुछ होना चाहिए, छाछ होना चाहिए। खाना प्रॉपर नहीं होगा तो हो सकता है सिरचन का मूड खराब हो जाए, वो कोई बहाना बना दे। जैसे वो बोलेगा, मेरे को अधपकाली सिर दर्द है, यानी मेरे को हाफ हेडेक है, आधे सिर में दर्द है और मैं नहीं कर सकता काम। और वो काम कभी कंप्लीट करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसे प्रॉपर खाना नहीं दिया। तो माँ को ये बात पता थी मानू की, तो वो फुल्ली रेडी थी कि मैं खाना इसे प्रॉपर दूंगी। उसे बोल दिया गया था कि आपको मोहर छाप धोती, यानी नई धोती मिलेगी, एक तरह से ब्रांडेड धोती यू कैन से, जिसपे मोहर लगी होगी। पर क्या होता है कि इस बात को देखकर मंजली भाभी को चिढ़ लगती है। उसे ये लगता है कि सिर्फ धोती के लालच में वो काम कर रहा है। तो वो उस पर कमेंट कर देती हैं कि अगर मुझे पता होता कि मोहर छाप धोती से अच्छा काम होता है तो हम भी ऐसे ही करवाते। तो सिरचन इसका मुंहफड़ तरीके से जवाब दे देता है, वो भी तुरंत, कि ऐसा नहीं है, मानू का पति अफसर आदमी है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स उसको ये हर्ट होता है और मंजली भाभी रोने लगती है। और जो माँ की फेवरेट है मंजली भाभी, तो माँ सिरचन को चिल्ला देती हैं, बट तब भी सिरचन मान जाता है क्योंकि बाद में उसे मानू मना लेती है। तो लेकिन क्या होता है कि जब सिरचन काम कर रहा होता है तो उससे क्या होता है कि चेवड़ा और गुड़ दिया जाता है थाली में। जब औतर इस बात को देखते औतर इसे देखते हैं तो क्या थोड़ी चिढ़ लगती है कि मतलब इसे टेस्टी खाना देने की बात हुई, ये दिया जा रहा है। वो माँ के पास जाते हैं, बताते हैं। तो माँ मंजली भाभी को बोलती है कि इसे बूंदी क्यों नहीं दी, बूंदी दे दो। अब जब वो बूंदी देने जाती है, चिड़ी हुई तो होती है, फेंक कर बूंदी दे देती है। सिरचन इस बात पे और चिढ़ जाता है, तो वो उस पर और कमेंट कर देता है कि अगर ये आपके ससुराल से, आई मीन आपके मायके से अगर आई होती बूंदी, तो भी क्या आप ऐसे ही फेंक कर देती। तो मंजली भाभी इस बात पर और ज़्यादा चिढ़ जाती है। बाद में चाची से भी सिरचन की बहस हो जाती है थोड़ी सी, मतलब वो मुंह चला देता है। क्योंकि क्या होता है कि वो चाची से बोलता है कि आप अपने मतलब जहाँ से वो पान बना के रख दी हैं, तो आप मुझे पान नहीं खिलाओगे क्या। तो वो थोड़ा जवाब दे देती हैं, उसे डांट देती हैं, और उसे इतना ज़्यादा बुरा लग जाता है चाची का कि सिरचन तुरंत काम छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। और वो जो इतना अच्छा कारीगरी चल रही थी, जो शीतल पाटी चेक वगैरह सब बन रही थी, सब वहीं के वहीं धरी रह जाती है। अब घर में टेंशन हो जाती है क्योंकि मानू के ससुराल से ऑर्डर था कि हमें ये सब हैंडीक्राफ्ट चाहिए। तो ऑर्डर सिरचन को जब मनाने जाते हैं, तब हम देखते हैं कि सिरचन की जो दुख वाली कंडीशन है वो क्या है, मतलब सिरचन का बैकग्राउंड क्या है। तो जब वो उसे मनाने जाते हैं तो सिरचन एक रूम में बैठा हुआ होता है, एक फटी हुई चटाई के ऊपर मतलब लेटा हुआ है। तब वो उठता है और उस चटाई की कसम खाते हुए कहता है कि मेरी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है, वो जा चुकी है, बच्चों को भी ले जा चुकी है, वरना मैं इस तरीके से भटकता नहीं इधर उधर। खाने के लिए मैं डिमांड नहीं करता, एक आपका घर था जहाँ मुझे इज्जत मिलती थी, पर अब भी
अब वहां पर भी मेरी इंसल्ट हो चुकी है, तो वो एक तरह से पूरा ये मतलब विड्रॉ कर चुका है कि अब मैं कोई काम नहीं करूंगा हैंडीक्राफ्ट का। ऑर्डर के मनाने पर वो नहीं मानता, वहां घर में इन लोग को टेंशन होती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, तो जितना काम हुआ है उसी काम के साथ मानू को विदा किया जाता है। तो विदा करने के लिए जब औदर उसे स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं, तब क्या होता है कि सिरचन इतना अच्छा कारीगरी करने के बाद, मतलब सब कुछ सामान रेडी करके उसको भाग भाग कर लेकर आता है स्टेशन पर, और वो मानू को गिफ्ट कर देता है। सिरचन क्या है, मानू को अपनी बेटी की तरह मानता था, इसीलिए उसे वहां पर उसके घर में भी इज्जत मिलती थी, उसे अपना घर मानता था। अब वहां पर भी उसकी इंसल्ट हुई तो उसे ठेस लगी उसके स्वाभिमान को, पर ममता कहीं ना कहीं जीत गई, और वो शीतल पार्टी वगैरह के साथ साथ अपना प्यार, अपनी ममता मानू को गिफ्ट कर देता है और मानू को विदा करता है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं, एक बहुत ही अच्छी एंडिंग है। और आप देखते हैं कैसे एक गरीब व्यक्ति जिसकी इंसल्ट हुई, फिर भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी ममता नहीं छोड़ी, और फिर भी उसने अपना काम किया और किसी को निराश नहीं किया। तो ये थी कहानी एक ग्रामीण कलाकार की, जिसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। कलाकार का नाम था सिरचन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें ताकि मैं जान सकूं कि मैंने वीडियो कैसी बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि और भी अमेजिंग वीडियोस जो कि अलग अलग नॉलेजेबल टॉपिक्स पर होगी आप तक पहुंचे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। आपके सजेशंस, आपकी क्वेरीज और आपकी जो एडवाइस है अगली वीडियो के लिए उसका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।